हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान ने कैसे अपने दो सेकेंड हैंड माइन काउंटर खरीद रहा है इसके बारे में। आज हम लोग जिस माइन काउंटर के बारे में बात कर रहे हैं उसे बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस ने मिल के बनाया है। पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड से डील साइन की है उसने नीदरलैंड की नेवी से रिटायर यानी 30 साल पुराने यह माइन काउंटर हैं जो कि 2022 तक पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। इसके पास पहले से ही 3 और पुराने माइन काउंटर हैं जिसमें 2 और जुड़ जाएंगे तो कुल संख्या इनकी 5 हो जाएगी। इनकी रेंज जो कि 5600 किलोमीटर की है, रेंज यानी यह उतना दूरी तक एक बार में फ्यूल भरने पर यह 5600 किलोमीटर तक यह जा सकता है। ऐसा मत सोचना आप कि 5600 किलोमीटर तक यह माइंस को डिडक्ट कर लेगा या किसी को मार के गिरा देगा, नहीं, यह 5600 किलोमीटर तक जा सकता है एक बार में, इसमें अगर फ्यूल फुल कर दिया जाए तो। यह इसके ट्रेवल की रेंज है। इसमें कोई भी मिसाइल सिस्टम नहीं लगा हुआ है। इसमें 3 गन लगे हुए हैं जो कि एक 20 mm की गन F2 गन है, इसके अलावा 2 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई है और माइन को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक सोनार सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 5 हो जाएगी। इतनी छोटी नेवी होने के बावजूद भी तो यह उनका एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए क्योंकि उनकी नेवी बहुत ही छोटी है। अगर इतनी छोटी नेवी में भी आपके पास 5 की संख्या में काउंटर डिटेक्टर है तो यह एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बात करें अगर भारत की तो भारत ने 1980 में 6 और 1988 में 6 टोटल 12 माइन काउंटर लिए थे और अब उनको रिटायर भी कर दिया गया है। यह बहुत ही ज्यादा हैवी माइन काउंटर थे हमारे भारत के पास जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मशीन गन, सोनार, सबमरीन डिटेक्ट करने की भी क्षमता थी। तो यह सवाल है कि क्या भारत के पास एक भी नहीं है इस टाइम में? तो भारत के पास 2019 में जो माइन डिटेक्टर लिया गया था उसकी संख्या बस 1 है। भारत 2012 में इसको लेकर जापान की कंपनी के साथ डील भी किया था लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और यह डील रद्द कर दी गई। जो पाकिस्तान माइन काउंटरशिप ले रहा है उसे इंडोनेशिया नेवी भी यूज कर चुकी है, उसको बल्गारिया नेवी ने भी यूज करके रिटायर कर दिया है, अब वह पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो यह हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे तो हम जब चाहे तब ही हरा सकते हैं। पाकिस्तान की नेवी अभी उतनी बड़ी नहीं है इंडिया के लिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें चीन को भी हरा पाना अभी इस टाइम में मुश्किल हो जाएगा। अगर भारत की नेवी को समुद्र में राज करना है तो अभी उनके लिए कम से कम 12 नए सबमरीन और 12 से 15 सबमरीन डिटेक्टर और माइन काउंटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके लिए अब सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान नहीं रह गया, अब वह शिफ्ट होकर चाइना के ऊपर चला गया है। वह कभी हिंद महासागर में अपनी सेना बढ़ा लेता है, कभी समुद्र में आइलैंड बनाने लगता है, तो यह हमारे लिए एक सिरदर्द बना हुआ है चाइना। तो इसके लिए सरकार को बहुत तेजी से काम करना होगा। या नए माइन काउंटर बनाने की अगर बात करें तो इसमें कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने किया, पुराने हथियार खरीद रहा है, तो हम पुराने तो इतने नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ नए सबमरीन हंटर या माइन काउंटर को हम लोग लीज पर ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए सरकार को। जब तक हमारे नए माइन काउंटर बन के तैयार होंगे तब तक हम लोग लीज पे लिए रहेंगे और जैसे ही ये हमारे सेना में शामिल हो जाएंगे तो हम लीज पे लिए गए माइन काउंटर को छोड़ देंगे। तो इस पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, अब पाकिस्तान को छोड़ के हमें चीन के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए कि हमारा मेन दुश्मन चीन है। ये थी गाइस आज की हमारी राय इस वीडियो पे। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।